नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनोलेज टाइम में दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2021 से लेकर 2026 तक के टाइम पीरियड के लिए ओ स्मार्ट स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए अप्रूवल दिया है ओ स्मार्ट स्कीम का फुल फॉर्म होता है ओशन सर्विस मॉडलिंग अप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है कैबिनेट कमेटी को चेयर किए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो क्या है ये ओ स्मार्ट स्कीम इसे कब लॉन्च किया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या है इसका इंपॉर्टेंस आइए सब कुछ जानते हैं इसके बारे में तो दोस्तों ये जो ओ स्मार्ट स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में यह एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका उद्देश्य है ओशन रिसर्च को प्रमोट करना और अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम को स्थापित करना इसके अंतर्गत ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी जैसे टेक्नोलॉजी का यूज सर्विसेज रिसोर्सेज साइंस और ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी जो ब्लू इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करने में मेजर डेवलपमेंट होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की इस स्कीम में सेवन सब स्कीम्स शामिल हैं जिन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ऑटोमोनस इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी कोची और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा ये जो सेवन सब स्कीम्स है वह है ओशन टेक्नोलॉजी ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स इन सब स्कीम्स के तहत इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मरीन लिविंग रिसोर्सेज एवं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उनके संबंधों के बारे में सूचना एकत्र करना उसे नियमित रूप से अपडेट करना है और समय समय पर भारत के तटीय जल का स्वच्छता मूल्यांकन करने के लिए सी वाटर पोलूटेंट के लेवल को मॉनिटर करना है भारत के आसपास के समुद्रों से रियल टाइम डेटा के लिए एक वाइड रेंज का स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन सिस्टम डेवलप करना इस डेटा से हाई रेजोल्यूशन मॉडल डेवलप किया जाएगा जो ओशन फोरकास्ट में हेल्प करेगा इससे ओशन रिसर्च में हेल्प तो मिलेगा ही साथ ही कोस्टल एरिया में रहने वाले सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा साथ ही आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में गैस हाइड्रेट्स की जांच करने के लिए पचहत्तर हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया को अलॉट किया है इस स्थान पर भारत को पांच हजार पांच सौ मीटर तक की गहराई में पॉलीमेटेलिक्स नोड्यूल्स की खोज के कार्य को पूरा करना है पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स को मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है यह एक प्रकार की परतों से निर्मित चट्टाने होती हैं जिसमें तामा निकिल कोबाल्ट मैग्नीज लोहा शीशा दस्ता एल्युमिनियम चांदी सोना और प्लेटिनम आदि कई धातुएं होती हैं तो दोस्तों भारत के लिए पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स की माइनिंग स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इन धातुओं की कोई टेरेस्ट्रियल सोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों भारत ओ स्मार्ट स्कीम के तहत समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में सामने आएगा और भारत को मेजर बूस्ट मिलेगा टुअर्ड्स ब्लू इकोनॉमी तो दोस्तों ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओ स्मार्ट स्कीम आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियोज में और प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नमस्कार